योगी ने अच्छे अच्छों की बैंड बजा दी, बैंड में पेशाब कर देते हैं पेशेवर अपराधी। योगी ने माफिया उपद्रवियों की नींव हिला दी। योगी को कुर्सी से हटाने की सोच रखने वाले भी सीख ले लें। योगी से पंगा लेने वालों का अंजाम देख लें। योगी के कार्यकाल की उपलब्धियां देख लें। अपने बयानों से अपराधियों को खौफ से भर देते हैं योगी। अपराधियों की बंधी रहती है घिघी। एक झटके में सबकी गर्मी शांत कर देते हैं यूपी के मुख्यमंत्री। एक एक कर उंगलियों पर गिन लो योगी के तगड़े बयान। माफिया हो या उपद्रवी सब रहते हैं शांत। प्रदेश में अपराधी बचाते फिर रहे हैं अपनी जान। गुंडों की गर्मी शांत करनी हो या फिर माफियाओं को मिट्टी में मिलाना, दोनों ही कामों में योगी अव्वल है। योगी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, उपद्रवियों की जैसे नकेल कसे हुए हैं। चुन चुन कर अपराधियों के प्रदेश से सफाई में लगे हुए हैं योगी। तभी तो विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी बता दिया कि जैसा वादा योगी सरकार की तरफ से किया गया था, वो वादा पूरा कर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार की तरफ से किया गया है। सुन रहे हैं आप सुरेश खन्ना की विधानसभा में दहाड़। ये योगी सरकार के कामकाज की ताकत है, ये आत्मशक्ति है, ये कुछ भी कर गुजर जाने का हौसला है। ये हौसला मिलता है योगी से, योगी के शासन से, योगी की कार्यशैली से। क्योंकि योगी जब भी बोलते हैं तो सिर्फ प्रदेश नहीं सुनता या सिर्फ देश नहीं सुनता, बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। शायद यही वजह है कि यूपी में लोकसभा चुनाव के आए परिणामों के बाद जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया गया, दिल्ली तक दौड़ लगाई गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ और योगी की पोजीशन कमजोर तो नहीं हुई बल्कि और ज्यादा मजबूत हो गई। और ये पोजीशन योगी ने खुद कमाई है। पिछले 7 साल में प्रदेश को उन्होंने इतना कुछ दे दिया है। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जान लगा दी है योगी ने। और योगी की इस छवि को और मजबूती देते हैं उनके धाकड़ बयान, जो ये साबित करते हैं कि क्यों योगी एक फायर ब्रांड नेता है। चलिए योगी के तमाम बड़े बड़े और धाकड़ बयानों में से 5 ऐसे बयान आपको सुनाते हैं जो योगी को पूरे देश में सबसे ताकतवर नेता साबित करते हैं। पहला बयान, कोई माइका लाल बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये योगी की माफियाओं को चेतावनी थी जो योगी ने मुजफ्फरनगर की धरती से दी थी। योगी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वो इन माफियाओं को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सुनिए जरा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माइके लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। दूसरा बयान, न दंगा न नमाज, मैं हूँ सीएम। अपने इस एक बयान से योगी ने बता दिया था कि इन 7 सालों के कार्यकाल में योगी ने कुछ ऐसा काम किया है कि किसी की मजाल नहीं है कि दंगा कर दे या दंगा करने की सोच भी ले। योगी ने सभी की नकेल कसी हुई है। दंगाइयों में अपने नाम का ऐसा खौफ व्याप्त किया है कि कोई भी यूपी का माहौल खराब करने से पहले 100 बार सोचता है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है। और किस रूप में दे सकती है इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं।
सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे ये कहने के लिए आया हूं मैं, बहन और भाइयों, अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। तीसरा बयान, बेटी को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लियर फंडा है कि जो कोई भी असामाजिक तत्वों जैसा व्यवहार करेगा कानून व्यवस्था को हाथ मिलेगा, बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करेगा फिर उससे उसी तरह निपटा जाएगा जैसे बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वालों का असली हश्र होना चाहिए। उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते इतने पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का तो साहस नहीं कर पाया। चौथा बयान, सीएम योगी का यह बयान सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में इस बयान की चर्चा है। इस बयान को बार बार दोहराया जाता है, योगी के इन शब्दों से योगी की पावर को बयां किया जाता है। कई मौकों पर देखने को मिला है कि किस तरह से यूपी में गुंडों की गर्मी शांत करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। जी, मई जून में भी शिमला बना देने का मादा रखते हैं योगी आदित्यनाथ। ये वो कैसे करते हैं ये तो पिछले 7 साल के उनके कार्यकाल में आपने कई बार देखा होगा। चलिए अब योगी का विरोधियों को हक्का बक्का कर देने वाला पांचवा बयान जान लेते हैं। पांचवा बयान, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी ने अपने कार्यकाल में अब तक बहुत से माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, माफियाओं को कहीं का नहीं छोड़ा है। योगी ने माफिया और अपराधियों की नाक में जैसे दम कर दिया है, उनकी संपत्ति तक पर बुलडोजर चलाकर उन्हें सड़क पर ला दिया है। माफियाओं ने जिस तरह से और सरकारों के राज में जनता को परेशान किया है, योगी ने उस सब का बदला चुन चुन कर लिया है। सुनिए जरा, आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार पहनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पर कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी कफरत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो देखा आपने कैसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी के सीएम रहते प्रदेश में की गई एक गलती किसी भी उपद्रवी के लिए उम्र भर का दर्द बन सकती है। योगी वो ताकत रखते हैं, तभी तो जिस किसी ने भी योगी के खिलाफ साजिश रची, जिस किसी ने भी योगी को उनकी कुर्सी से हिलाने की चेष्टा की, वो कोई सफल नहीं हो सका।
हाँ माना कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी के रिजल्ट संतोषजनक नहीं रहे, लेकिन सवाल यहाँ ये कि क्या योगी अकेले इसके लिए जिम्मेदार है? क्या योगी की एक के बाद एक 200 से ज्यादा रैलियां करने के बाद भी अगर जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो क्या ये कमी सिर्फ योगी की रही या फिर ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाली बात है? अकेले योगी को जिम्मेदार ठहराने वालों को जनता ने जवाब दिया है। जिस किसी से भी योगी को हिलाने के लिए सवाल पूछा गया है उसने यही कहा है कि योगी के अलावा यूपी में सीएम की कुर्सी पर और किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यकीन है कि यही है जो यूपी को संवार सकता है। वैसे आप सीएम योगी आदित्यनाथ के इन पावरफुल बयानों पर, उनके इस तरह की स्पष्ट बातों पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।